देखिए, कमलनाथ जी की उपेक्षा चुनाव के टाइम से की जा रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, कमलनाथ जी जो कदम उठाएंगे, छिंदवाड़ा की सारी जनता, ज्यादा अधिकतर जनता और सारे पदाधिकारी सब कमलनाथ जी के साथ, तब आपको क्लियर कर पाएंगे और संभावना हो वो भी सकती है। फिजी क्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेहद करीबी नेता पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने कमलनाथ के बीजेपी में जाने की संभावना जताई है। दीपक सक्सेना ने कहा कि कमलनाथ जी की उपेक्षा चुनाव के समय से की जा रही थी। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे, कभी कल्पना नहीं की थी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान चुनाव हारे, लेकिन कमलनाथ जी को नकारा क्यों जा रहा है? देखिए, कमलनाथ जी की उपेक्षा चुनाव के टाइम से की जा रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे, चाहे राहुल जी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की हो या पब्लिक की बात हो। तो बात आती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो छत्तीसगढ़ हम चुनाव हारे जहाँ कल्पना नहीं थी, राजस्थान हम लोग चुनाव हारे, लेकिन कमलनाथ जी को ही नकारा क्यों कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश भी हारा, उसमें सारा दोष कमलनाथ जी के ऊपर देके कमलनाथ जी को जिस ढंग से पद से हटाया गया और राज्यसभा में सोनिया जी से बात होने के बाद उपेक्षित किया गया, इससे लोगों को ठेस लगी हुई है और सब लोग ये चाहते हैं कि कमलनाथ जी ने राजीव जी के परिवार को, इंदिरा जी के परिवार को और सोनिया जी को हमेशा अपने परिवार का मुखिया माना है और सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। तो कमलनाथ जी की उपेक्षा करना ये सही नहीं है, इसलिए कमलनाथ जी अपने आप को असहाय महसूस करते हुए अपमानित महसूस कर रहे हैं और जनता उनसे ये चाह रही कि उनका मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। और छिंदवाड़ा के विकास में कमलनाथ जी ने कभी कांग्रेस भाजपा नहीं देखी, अमीर गरीब नहीं देखा, जब भी जो मुसीबत में आया हर व्यक्ति के साथ दिया हुआ है। तो हम लोग सभी चाहते हैं कमलनाथ जी का मान सम्मान बना रहे और कमलनाथ जी के माध्यम से छिंदवाड़ा का विकास हो। तो जहाँ पर स्थिति अच्छी हो वहाँ कमलनाथ जी को रहना चाहिए। देखिए, कमलनाथ जी जो कदम उठाएंगे, छिंदवाड़ा की सारी जनता, ज़्यादा अधिकतर जनता और सारे पदाधिकारी सब कमलनाथ जी के साथ, और हम लोग चाहते हैं छिंदवाड़ा के विकास कमलनाथ जी के माध्यम से ही हो। अभी बाकी सभी लोगों से चर्चा होने के बाद जो स्थिति बनती है शाम तक, तब आपको क्लियर कर पाएंगे और संभावना हो वो भी सकती है। फिजी क्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम, पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर।